पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में घमासान तेज होने लगा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि पंजाब सरकार के चार बड़े मंत्री कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वह लगातार हमसे संपर्क भी कर रहे हैं। इन सभी मंत्रियों पर नाजायज रेत माइनिंग के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इसलिए हम उन्हें नहीं लेंगे। हमें अपनी पार्टी में मिट्टी तक बेच देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। हम आपको यह भी बता दें, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी अमृतसर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 25 विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और वे आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने एक बड़ा खुलासा करन लगा। चन्नी सरकार दे चार मंत्री सानू लगातार संपर्क कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अते अपनी कांग्रेस पार्टी छड़ के आम आदमी पार्टी विच शामिल होना चाहते। जी हां, पंजाब कांग्रेस दे चार मिनिस्टर्स सानू लगातार संपर्क कर रहे हैं, अपनी कांग्रेस नू छड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन होना चाहते। लंबे टाइम तो इन्हां चारा मंत्रियों उत्ते नजायज सैंड माइनिंग दे, रेते माफिया दे, रेते चोरी दे गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी, सानू कांग्रेस दे चोर अते रेते माफी अपनी पार्टी च नहीं चाहिए। सानू साड़ी पार्टी च ओ बंदे नहीं चाहिए जिन्हां ने पंजाब दी मिट्टी भी बेच दित्ती होवे। जिस धरती नू मां आख्या जांदा है, इन्हां लोकां ने उस धरती नू भी नहीं छड्या। साड़ी पार्टी एक ईमानदार पार्टी अते साडे परिवार विच इहो जिहे लोकां लई कोई थां नहीं है। इन चारा मंत्रियां नू आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी शामिल करन तो मना कर दिता, साफ मना कर दिता। साडे कोल जनता दा साथ है, सानू रेते माफिए दी कोई लोड नहीं है। हालांकि राघव चड्ढा के इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने एक बच्चे को पंजाब में भेजा हुआ है जो बचपना कर रहा है और बिना किसी बात के बेतुके बयान दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब में ऐसी कोई छुरलियां काम नहीं आएंगी जो दिल्ली में चल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली बार से भी इस बार बुरी हालत होने वाली है और इनके विधायक तथा सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी को ड्रामेबाज बताया और कहा ये सिर्फ बातों का कड़ा बनाते हैं और खुद ही खा लेते हैं। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राघव चड्ढा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर रेत माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही अवैध तरीके से रेत माइनिंग चल रही है और वह उन्हें सहयोग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन दावों को खारिज किया था और कहा था कि उनके इलाके में कोई अवैध माइनिंग नहीं हो रही है।